My dear students, welcome to Pro Talent, and this is Nitin Parmar, and I'm sure all of you must be putting a lot of efforts for your CAT preparation. बिल्कुल CAT नज़दीक आ रहा है और I'm sure सबको बिल्कुल मेहनत करने में मज़ा आ रहा होगा, छोटी छोटी चीज़ों का फायदा हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे, इस समय पे फेल्योर से डरना इज़ अ बैड आइडिया, ठीक है। हम श्योर सब लोगों को मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, और जब मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आते तो बहुत दुखी होते हैं, और जब बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ो, हम तैयारी नहीं है, हम केपेबल ही नहीं है इन सब के लिए, ऐसा मन में आता है। मेरा मानना है कि दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा मन में विचार आता है तो ऐसा सोचें कि फेल्योर गिव्स यू वन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ठीक है। हमें अपने आप के बारे में जानने को बहुत अच्छा मौका मिलता है, ठीक है, और ये बिल्कुल रिमाइंड करने का मौका मिलता है कि अगर मैं अभी तक जो कर रहा था उससे जो मेरा स्कोर आ रहा है, ठीक है, जो अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, सो एम आई चेंजिंग समथिंग, मैं कोई बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझेंगे कि आपको बहुत बड़ा बदलाव चाहिए होगा तो जाके आप कुछ बड़ा फोड़ पाएंगे, बड़ा कोई स्कोर ला पाएंगे, तो आप पक्का आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल तैयार रहे कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फीडबैक लेना है आपके परफॉर्मेंस से, उस फीडबैक से एनालाइज करना है कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसको इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है, दिस इज गेम, ठीक है। सो इसलिए ये आई एम कैट के जो हमारे वीडियोज़ हैं उन वीडियो में हम ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हम आपको ये गाइडेंस दें कि किस तरीके से और कितना डेप्थ में वोकैब करना चाहिए, ओके। चलिए ग्रेट, सो लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पहला है स्किलफुल एंड दूसरा है क्लमजी, ठीक है। सो स्किलफुल मतलब जो बंदा केपेबल है, ठीक है, एंड जो बंदा क्लमजी, जो केपेबल नहीं है, ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ क्लमजी, ठीक है। समवन हु इज नॉट एबल टू कैरी आउट हिज वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, हिज हैंड मूवमेंट्स आर नॉट वर्किंग। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने कभी किचन में काम किया नहीं हो और वहां पे आपने बोला भाई साहब जाओ किचन में कुछ काम करो, तो जिस तरीके से वो चीजों को पकड़ेगा, इट लुक्स वेरी क्लमजी, यस और नो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड क्लमजी। व्हाट आर द सिमिलर वर्ड टू दैट? अनगेनली, दैट मीन्स इट इज ऑकवर्ड एंड क्लमजी। सो अनगेनली इज अ पर्सन और अनगेनली इज अ मूवमेंट। सो अनगेनली वॉक हो सकती है, ठीक है, अनगेनली प्रेजेंटेशन हो सकता है। गॉकी इज नर्वसली ऑकवर्ड, ठीक है, अ गॉकी टीनेजर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली ये बहुत बार क्लमजी वर्ड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा एवेंजर्स की मूवी के अंदर, जब स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस किया गया तो स्पाइडरमैन बीइंग अ टीनेजर बहुत सारी गलतियां करता है, ठीक है। सो ही इज टर्म्ड एज अ गॉकी स्पाइडरमैन, ठीक है। मैलेड्रॉइड, समवन हु इज इनएफिशिएंट और इनएप्ट, ठीक है, दैट मीन्स मेला इज अ बैड, एड्रॉइड इज अ स्किलफुल, जो सही तरीके से स्किलफुल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली क्लमजी है। गॉश, अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली वेरी ऑकवर्ड, शाय एंड गॉश टीनेजर, ठीक है भाई, अनसोफिस्टिकेटेड होना, ठीक है, गॉश। सो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत बार कपिल शर्मा के शो के अंदर जो लोग आते हैं, ठीक है, दे मतलब दैट मीन्स द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दे आर एंटायर शो, ठीक है, दे आर जनरली गॉश, दे आर वेरी अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है। हैम हैंडेड विच इज क्लमजी, ठीक है, बंगलिंग, अ हैम हैंडेड अटेम्प्ट टू कवर अप इज मिस्टेक, मतलब इज नॉट रियली अवेयर कि कैसे चीज़ों को कवर अप करना चाहिए, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हैम हैंडेड। व्हाट आर द अपोजिट ऑफ ऑल दिस? अपोजिट ऑफ ऑल दिस इज अ डेक्सटरस। डेक्सटरस मतलब समवन इज वेरी स्किलफुल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हिज हैंड्स। सो कीबोर्ड प्लेयर है तो अच्छे से म्यूजिक बजा पाता है, ठीक है, किसी बंदे को टाइपिंग दे दो अच्छे से कर पाता है, दैट इज अ डेक्सटरस। एड्रॉइट स्किलफुल, हिज एड्रॉइट एट टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, मतलब टैक्स अवॉइड करने में वो मास्टर है। डेफ्ट, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, मैंने डाफ्ट नहीं बोला है, ठीक है, डेफ्ट है ये, डेफ्ट इज अ स्किलफुल, डाफ्ट मतलब एकदम बकवास, मतलब उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कंसमेट, समीट,
ठीक है, कंसमेट, दैट इज स्किल के द्वारा यू रीच टू द हाइट, सबमिट पे पहुंचते हो, दैट्स कॉल्ड कंसमेट. एंड वर्चुओजो पर्सन इज वेरी हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक एंड अदर आर्टिस्टिक परस्यूट. सो वर्चुओजो इज रिलेटेड टू आर्ट, कंसमेट, ठीक है, इट्स ड्यू टू योर स्किल, यू हैव रीच टू द टॉप. Deft is a very skillful guy. Adroit and dexterous are similar to skillful. Okay, so skillful and clumsy, these two group of words are very important. Okay, अब चलते हैं, है ना, very interesting exercise called confusibles. Confusible में क्या दिया है आपको? So what comes under confusibles? ठीक है, आपके सामने ये पहला सवाल. We must reign or reign in a communal forces that threaten to destroy secular fabric of our society. हमारे सोसाइटी के जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको अगर डिस्ट्रॉय करने वाले जो कम्युनल फोर्सेस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल. टू रेन इन, दैट मींस टू कंट्रोल. ठीक है, सो पहला वाला जो रेन है दैट मींस इट इज टू कंट्रोल. ठीक है, सो यू रेन, यू कीप रेन इन योर कंट्रोल, दैट इज वन. सेकेंड, रेन का मतलब है एक कमांडिंग पोजिशन. ठीक है, एक तरीके से वो चीज डोमिनेंट पोजीशन में था. ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वर्ब है, सो वी मस्ट रेन इन. सो आंसर होना चाहिए इसका ए. ओके, नंबर टू देखते हैं. विंबलडन फाइनल्स वॉज अ क्लासिकल क्लैश ऑफ टाइटन्स? नो, इट इज कॉल्ड क्लासिक क्लैश ऑफ टाइटन. क्लासिक क्लैश इज अ बेटर वर्ड. क्लासिकल नहीं चलेगा. क्लासिकल अपने आप में नाउन है, क्लासिक इज एन एडजेक्टिव. ओके, सो यहाँ पे आना चाहिए क्लासिक क्लैश. क्लैश के आगे उसको डिफाइन कर रहा है. द पेशेंट्स आर बेस्ट एडवाइज टू बी टोटली एब्स्टिमियस और एब्स्टिनेंट फ्रॉम अल्कोहल. पेशेंट्स को बोला है कि आप टोटली अपने आप को अल्कोहल से एब्स्टेन करें. ठीक है, सो दे आर एडवाइज टू बी एब्स्टिनेंट. ओके, एब्स्टिमियस इज एन एडजेक्टिव, एब्स्टिनेंट, ठीक है, दैट्स अ नाउन. सो दे हैव टू बी एब्स्टिनेंट, एब्स्टेन करना, उससे दूर रहना. द पी एम हैज बीन अपराइज्ड और अपराइज्ड ऑफ द एक्शंस टेकन इन द फ्लड रिलीफ. ये जो अपराइज है, ठीक है, ये अपराइज का मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल. ठीक है, एक तरीके से पूरा स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन लेना और उसके बारे में आगे बात करना कि कैसे प्रोग्रेस करेंगे. अप्राइज करना इज जस्ट टू इन्फॉर्म करना. सो यहाँ पे आएगा प्राइम मिनिस्टर को अप्राइज किया गया है बाय दी अथॉरिटीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज. अप्रेजल, दिस इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये नहीं चलेगा. एंड द हॉकी टीम कुड नॉट डील विद द अनसोशल टेंडेंसीज. अनसोशियबल नहीं चलेगा, अनसोशियबल गलत हो जाएगा. अनसोशियल टेंडेंसी इज अ बेटर वर्ड. अनसोशियबल बिहेवियर होना मतलब एक तरीके से किसी के साथ झगड़ा करने वाला एटीट्यूड. सो बेसिकली अनसोशियबल एंड अनसोशियल में डिफरेंस क्या हो गया? अनसोशियबल ऐसा बंदा जो रिजर्वड है. ठीक है, अनसोशियल क्या हो गया? एंटी सोशल, जो लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट एग्रींग टू इट, डिसेंट करते रहते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है अनसोशियल. ओके, चलिए ग्रेट. सो आंसर क्या हो गया? ए बी बी बी. ओके, चलिए ग्रेट. सो आंसर क्या हो गया? सेकेंड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज टर्म्ड एज फाइंडिंग आउट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फॉर्म. ओके, सो हमें देखना है क्रेडिट. हिज सिम्टम्स लेंड क्रेडिट टू डॉक्टर्स ओरिजिनल डायग्नोसिस. डॉक्टर ने जो ओरिजिनल डायग्नोस किया उसके द्वारा जो उन्होंने बताया कि ये तुम्हें बीमारी है, उसके जो सिम्टम्स थे वो मैच थे. Yes or no? So thereby it is lending credit to his diagnosis. Perfect hai. To his credit, he refused to be intimidated by the bully. Matlab, wo bully se darna usne refuse kar diya. That is his credit. Very good. Hana? So that's also right. Recruitment is based mainly on academic credentials. Academic credential ke basis ke upar ho raha hai. Ye bhi right hai. The discovery of distillation is usually accredited to the Arabs. So distillation kisne discover kiya? It is Arab. So that is accredited. He is credited to painting 125 canvases. No, he is credited with painting. Credited to ka meaning alag hai. Credited to मतलब कोई चीज उसमें ऐड करना. Credited with, उसने ये काम किया है और इसलिए वो credited with है. ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका 5. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एस्टिमेट द क्राउड इन द स्टेडियम वॉज एस्टिमेटेड एट 50,000. सही बात है. ठीक है, सो
The redware pottery is estimated as 3000 year old, estimated as or estimated to be of, ठीक है, कितने साल पुरानी है वो बताना है. सो एस्टिमेटेड टू बी ऑफ, ओके, 3000 ईयर ओल्ड, एस्टिमेटेड एज गलत हो जाएगा. ही इज एस्टिमेटेड एज कैसे अ करप्ट ऑफिशियल, वो चल सकता है कि आपने एस्टिमेट किया कि वो करप्ट आदमी होगा ऐसा, बट यहां पे 3000 साल पुराना है इसलिए एस्टिमेटेड टू बी ऑफ. ओके, ही रोज टू माई एस्टिमेशन, सही बात है, ठीक है. दिस वॉज अ ट्रेजर ऑफ इनएस्टिमेबल वैल्यू, जिसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते उस साइज की वो वैल्यू है. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ऑल एस्टिमेबल पीपल, जिनको एस्टीम देने के लायक है, एस्टिमेबल, एस्टीम देने के लायक. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक. सो डिस्पाइट अपेरेंट ब्लैंक, डिस्पाइट ये हुआ है ना, मच ऑफ द अर्ली ग्रीक फिलोसॉफिकल थॉट वॉज एक्चुअली मार्क्ड बाय काइंड ऑफ अनकॉन्शियस डॉगमेटिज्म. सो वो डॉगमेटिज्म वाली थी, ठीक है. और आगे वर्ड क्या था, डिस्पाइट, सो दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड. सो डॉगमेटिज्म का अपोजिट आना चाहिए, लिबरालिटी चलेगा, हाँ, ठीक है, इंडिपेंडेंस, हाँ, ठीक है. डॉगमेटिक एक तरीके से फंडामेंटलिज्म होता है, ठीक है, तो फंडामेंटलिज्म नहीं चलेगा. लेजिटिमेसी एक अधिकार की बात है, तो मुझे लगता है कि वो इरिलेवेंट है, ठीक है. बात होनी चाहिए एक तरीके से रिजिडिटी के खिलाफ, ठीक है. सो दिस डॉगमेटिज्म लेड टू अ ब्लैंक एसर्शंस, ठीक है. कैसे एसर्शन में पहुंच गए, आर दे क्वाइट ओपन, ठीक है, नो दे आर काइंड ऑफ डॉक्ट्रिनेर. डॉक्ट्रिनेर मतलब कोई चीज को रिजिड बना दिया, डॉक्ट्राइन बना दिया और बोला इसी तरीके से काम चलेगा. सो बेटर आंसर वुड बी फर्स्ट, डिस्पाइट इट्स एपरेंट लिबरालिटी, ग्रीक फिलोसॉफिकल इज जनरली टर्म टू बी लिबरल, बट ठीक है, दे आर रूल्ड थ्रू डॉगमेटिज्म एंड देयर बाय इट लेड टू डॉक्ट्रिनेर एसर्शन. एक तरीके से कोई चीज रिजिड कर दी, ऑटोनोमस एसर्शन यहां पे गलत हो जाएगा. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट. सो इसका आंसर है आपका फर्स्ट. नंबर टू देखते हैं, अ ब्लैंक एक्सेप्टेंस ऑफ कंटेम्पोररी फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर हैज मिसलेड अ फ्यू इनटू बिलीविंग दैट वैल्यूज इन कंफ्लिक्ट विद द प्रेजेंट एज आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस आर ब्लैंक, ठीक है. सो अगर हम ये कंटेम्पोररी फॉर्म में ये चीज को अगर सोशल बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मिसलीड करता है. क्या मिसलीड करता है, कि भैया जो भी कंफ्लिक्ट है आज के जमाने के वैल्यूज के साथ, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, बराबर है. सो दैट मीन्स लेट सी दिस, फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेसेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्लेंटिव एक्सेप्टेंस, सुपरफिशियल एक्सेप्टेंस एंड कॉशियस एक्सेप्टेंस. प्लेंटिव तो चलेगा ही नहीं, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से एक्सेप्टेंस हो गया तो इतना डेप्थ में बात ही नहीं होने वाली. कॉम्प्लेसेंट एक्सेप्टेंस मतलब हमने उस चीज को मान लिया कि ऐसे ही है, ठीक है, एंड वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट इट, ठीक है. और ये चीज की वजह से ऐसे बिहेवियर ने मिसलेड किया कुछ लोगों को, ये बिलीव करने के लिए कि जो वैल्यूज विच आर कंफ्लिक्ट विद द प्रेजेंट एज आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आर इगेन से एक तरीके से इरिलेवेंट हो गई, ठीक है. जो लोग ऐसा कंटेम्पोररी फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर को एग्री कर लेते कि ये जो खराब है उसको भी सही मान लो, है ना, अगर उसको सही मान लेंगे तो ये परेशानी हो जाएगी. सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड. आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अबाउट द रूट्स. लैटिन रूट के बारे में बात करें हम, क्रेडो. क्रेडो का मतलब होता है बिलीफ, है ना, या ट्रस्ट, वहां से वर्ड निकलता है क्रेडिबल, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, कन्विंसिंग है, बिलीवेबल है, क्रेडेंस देना, ठीक है, प्लॉजिबल होना, ठीक है, एक तरीके से लाइकलीहुड किसी चीज की ट्रूथ होने की बढ़ जाना, दैट इज अ क्रेडेंस देना. क्रेडुलस, ऐसा बंदा जो आसानी से दूसरों की बात मान लेगा, ही विल बिलीव इजिली ऑन अदर्स, सो ही इज गलीबल, ठीक है, ही इज नेव, है ना, जो आसानी से उल्लू बन जाएगा. इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, सो इट इज सो अमेजिंग, इनकंसीवेबल, सोच ही नहीं सकते उतना बड़ा, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, एंड दैट्स वाई वी हैव इनक्रेडिबल इंडिया. सो क्रेडिबल, विश्वास करने के योग्य. क्रेडेंस देना, उस बात को सहमति देना, उस बात पे बिलीव करना,
क्रेडुलस होना, आसानी से दूसरों पे बिलीव कर देना, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकते उतना बड़ा, इनक्रेडुलस, जो आसानी से बिलीव नहीं करेगा, डाउट करेगा, क्रीड, अ सेट ऑफ बिलीफ, कोई बंदा कोई पर्टिकुलर चीज में बिलीव करता है, सो दैट इज कॉल्ड क्रीड. एंड देन देयर इज अ क्रेडो, क्रेडो इज अ टेनेट, अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, ठीक है, विच गाइड्स पीपल्स एक्शन, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडो. ओके, सो दिस आर द काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स अवेलेबल टू यू थ्रू क्रेडो. क्रेड मतलब लैटिन वर्ड बिलीव एंड ट्रस्ट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. आई होप यू हैव लाइक दिस. एंड अगर आपको ये पसंद आया हो, प्लीज इसको लाइक बटन दबाइए, इसको शेयर करिए, एंड protalentdigital.com से ये PDF लेने का भूलिएगा मत. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.